दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चूकर्स अफ्रीका को बुरी तरीके से धूल चटाकर ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही फाइनल में जगह बनाई, जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में दहशत का माहौल है तो वहीं अब ऑस्ट्रेलिया के दो सबसे बड़े दिग्गज रिकी पोंडिंग से लेकर ब्रेटली ने अब भारतीय टीम को फाइनल में बुरी तरीके से रौंदने की बात करते हुए हमें खुली धमकी दे डाली। तो आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के बिगड़े बोल? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने भारत को सामने से खुली चुनौती देते हुए? उनके हैरतअंगेज बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मुकाबले में कौन सा बल्लेबाज शतक लगाएगा, रोहित, कोहली, वार्नर या फिर कोई और? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, सेमीफाइनल के जंग में कोलकाता के ईडन गार्डन में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने थी। सभी ने सोचा था कि इस मुकाबले में कांटे की टक्कर होगी, रोमांच की सभी हदें पार हो जाएंगी। लेकिन चोकर्स के नाम मशहूर अफ्रीका को आखिर ये टैग क्यों मिला है, ये एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिखाया। उन्हें इस खूबसूरत मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, लेकिन किसने सोचा था कि अफ्रीका इतनी बुरी तरीके से पस्त हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचाते हुए केवल 24 रनों पर उनके टॉप चार बल्लेबाजों को आउट कर उनके टॉप ऑर्डर को तबाह कर दिया। ऐसा लगा था कि अफ्रीका तो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि सलाम है डेविड मिलर को, इस खिलाड़ी ने हार मानना तो सीखा ही नहीं। किलर मिलर ने अपने बल्ले से अकेले ही तहलका मचाते हुए ऑस्ट्रेलिया के परखर्चे उड़ाने का मन बना लिया, तूफानी शतक ठोक दिया। हालांकि 116 गेंदों पर 101 रन बनाकर वो भी हार मान गए, और जैसे ही उनका विकेट गिरा पूरी अफ्रीका तो 212 रनों पर ढेर हो गई। क्लासेन ने भी 47 रन बनाए। अब इतने छोटे लक्ष्य को डिफेंड करना अफ्रीका के लिए कहां मुमकिन था। हालांकि अफ्रीका ने लड़ाई करने की कोशिश की। वार्नर और मिचेल मार्श को उन्होंने बहुत जल्द पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसा लगा था कि मैच में रोमांच जिंदा हो जाएगा, लेकिन ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें धूल चटाते हुए छठी बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनने की अपने जद्दोजहद में फाइनल में जगह बना ली है। जहां अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची, ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने अब भारत के खिलाफ ही बगावत छेड़ दी। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पोंटिंग का बयान निकल कर सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी टीम से ऐसी ही उम्मीद थी। जब भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में उतरता है तो सभी को समझ जाना चाहिए कि हम चैंपियन बनने के लिए उतरे हैं, लेकिन मुझे लगा था कि अफ्रीका चुनौती देगी। वो अच्छी टीम थी, लेकिन शायद हमारा नाम सुनकर ही उनके पसीने छूट गए। और आखिर हो भी क्यों ना, हमारी लेगेसी की इतनी महान है, हमारे खिलाड़ी इतने काबिल हैं कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो टीम इंडिया को भी फाइनल में हराएंगे। तो केवल वही नहीं, उनके दिग्गज गेंदबाज ब्रेटली का कहना है कि एक बार फिर हम वर्ल्ड कप के फाइनल में हैं, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। अफ्रीका आसान टीम थी, उन्हें हराना आसान था, लेकिन टीम इंडिया से चुनौती लेना बच्चों का खेल नहीं है। भारतीय टीम इस वक्त सबसे लाजवाब फॉर्म में चल रही है, और सबसे खास बात तो ये है कि वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है। ऐसे में ये मुकाबला विश्व का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, भारतीय टीम दबाव में रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हमारे खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस भरपूर है, उन्हें पता है कि हम भारत को आसानी से हरा सकते हैं, और ऐसे में मुझे तो लगता है कि हम भारत को हराकर वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे। टीम इंडिया को हमसे बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, सच में इन दोनों दिग्गजों ने तो अब अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते करोड़ों भारतीयों को खुली चुनौती दे डाली। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से हार कर वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल के दरवाजे से बाहर होकर रो पड़े टेम्पो बबूमा। लेकिन दोस्तों, जाते जाते ना भारत के लिए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर शायद आप भी इस खिलाड़ी को सलाम कर जाएंगे। आखिरकार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में हारने के बाद भारत के लिए क्या बोल गए बबूमा, और साथ ही कैसे भारत उनकी हार का बदला लेगा? बबूमा के भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल अब भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन जीत कर दिखाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में उस टीम का नाम हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में आज खेला गया ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान में। जैसे ही दोस्तों ये मुकाबला शुरू हुआ ना, जनता को पता चल चुका था कि कौन सी टीम जीतेगी। आपको बता दें दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस हार कर भी ना पहले गेंदबाजी की पेशकश को इस तरीके से स्वीकार कर लिया कि मानो अफ्रीका की टीम ने सबसे घटिया फैसला लिया हो अपनी जिंदगी का। क्यों दोस्तों, जरा ये आंकड़े सुनिए। 3 रन पर डिकॉक आउट हुए, और 0 पर बबूमा स्टार्क की गेंद पर, 6 रन पर वेंडर ड्यूसन आउट हुए, तो मार्क्रम 10 रन पर स्टार्क की गेंद पर, और ट्रेविस हेड ने क्लासेन को 47 पर जब आउट किया ना, तब साउथ अफ्रीकी टीम के सभी बड़े दिग्गज अब मैदान से बाहर बैठे थे।
इस टीम के 24 पर 4 विकेट हुए, 119 पर 5। वो तो शुक्र है कि इस टीम में डेविड मिलर जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने आज 5 छक्के 8 चौके जड़कर 101 रन लगाकर इस टीम की इज्जत को बाइज्जत बचा लिया। और दोस्तों उसी के चलते टीम का स्कोर 212 पहुंच भी गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्या 213 रन का टारगेट कोई बहुत ज्यादा है? बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को साबित भी करके दिखाया। शुरुआत कितनी ताबड़तोड़ थी इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 5 चौके 2 छक्के लगाकर ट्रेविस हेड 38 रन बना चुके थे। उधर वार्नर भी 29 रन बनाकर गए 4 छक्के लगाकर, मतलब कि 29 रन में से 24 रन तो केवल छक्कों के थे। हालांकि फिर वार्नर मार्करम की गेंद पर 200 क्लीन बोल्ड हुए और मिचेल मार्श तो शून्य पर रबाड़ा का शिकार बन गए थे। लेकिन अब मैदान में ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ टीम की कमान को बखूबी संभाल रहे थे और अभी 10 ओवर हुए ही थे कि 75 रन बन गए थे। और दोस्तों जिस टीम को जीतने के लिए 40 ओवर में 140 रन चाहिए हो, 8 विकेट हो और नाम ऑस्ट्रेलिया हो, तो कौन जीतेगा आप बेहतर जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम के बाकी बल्लेबाजों ने दोस्तों बल्लेबाजी के मोर्चे को बखूबी संभाला भी और फिर आगे चलकर मुकाबले को जीतने में ज्यादा दिक्कत होने लगी नहीं और एक बड़े अंतर से ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीतकर फाइनल में अपनी जगह को कंफर्म कर लिया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया तो जीत गई है लेकिन एक बार फिर से सालों का सपना टूट गया है साउथ अफ्रीका की टीम का। कहते हैं ये टीम सेमीफाइनल में आकर चौक कर जाती है और कुछ ऐसा इस बार भी हुआ। लेकिन रोते हुए बवुमा कुछ ऐसा कह गए भारत पर कि सुनकर शायद आप भी रो पड़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भावुक टेम्पा बवुमा ने कहा, 4 साल लगे इस मुकाम तक पहुंचने में और इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों ने शुरुआत से मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे देश से फैंस भी हमारा समर्थन करने आते रहे और हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल में जरूर जीतेंगे, लेकिन ये सपना अब केवल सपना ही रह गया है। समझ नहीं आ रहा कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं। हम हारे हैं और हार का सबसे बड़ा कसूरवार तो मैं ही हूं। वक्त आने पर अपनी टीम के लिए रन नहीं बना सका और छोटा स्कोर दोगे तो ऑस्ट्रेलिया तो आपको हराएगा ही ना। हमारी हार हमारी सबसे बड़ी कमी बन चुकी है फिलहाल, लेकिन अपने देश के फैन से माफी मांगना चाहूंगा और गुहार लगाऊंगा उस भारतीय टीम के सामने जो हमारी हार का बदला ना फाइनल जीतकर जरूर ले। वाकई में भारत जैसी टीम इस पूरे विश्व कप में नहीं है, उनसे ज्यादा मेहनत शायद ही किसी और टीम ने की है। साथ ही भारतीय फैंस का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो अंतिम लम्हों तक हमारा साथ देने के लिए आज भी हमें चीयर करने के लिए मैदान में हजारों की तादाद में आए हैं। मुझे पूरे यकीन है इस बार का विश्व कप भारत ही जीतेगा। दोस्तों कोलकाता के ईडन गार्डन में ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बार फिर ध्वस्त हुआ चोकर्स अफ्रीका का खेमा। पहले अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने मचाया तांडव और फिर बल्ले से मचाई इस कदर तबाही कि एक बार फिर खून के आंसू रोने को मजबूर हुआ है पूरा अफ्रीका। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी बेरहमी से अफ्रीका के वर्ल्ड कप के सपने को एक बार फिर से चकनाचूर कर दिया है? कैसे सेमीफाइनल को एक तरफा बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है फाइनल में जगह? कैसे उन्होंने दिया है चमत्कार? सब कुछ आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित कोहली और डेविड वार्नर में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों जहां एक तरफ टीम इंडिया ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से बस एक कदम दूर है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के सबसे ऐतिहासिक कोलकाता के ईडन गार्डन में ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ी थी अफ्रीका की टीम, जिन्होंने अपने लाजवाब प्रदर्शन से हर किसी को हैरान करके रख दिया। लोगों ने सपने सजा रखे थे कि अफ्रीका इस बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जाएगी और टीम इंडिया के लिए आसान से चुनौती रहेगी, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना ऑस्ट्रेलिया ऑलमाइटी और अफ्रीका को चोकर्स कहा जाता है। एक बार फिर यह बात साबित हो गई है। अफ्रीका ने टॉस तो जीता लेकिन फिर उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए बल्लेबाजी का फैसला किया।